ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे डाला है और बीजेपी के प्रति प्रेम छलका है सीएम नीतीश का। और बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए बीजेपी के प्रति जो प्रेम है वो नीतीश कुमार का छलकता हुआ नजर आया मोतिहारी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को लेकर बयान दिया और कहा कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमारी दोस्ती जो है वो बीजेपी से रहेगी, बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उनसे जानेंगे। सर, मुख्यमंत्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जब तक हम जीवित हैं तब तक बीजेपी से दोस्ती रहेगी, कैसे देखते हैं? देखिए राजनीति में कभी कभी दिल की बातें जुबान पर आती ही है, सच कभी कभी लोग कहते भी हैं और कहना भी चाहिए, राजनीति की यही सुंदरता है। माननीय नीतीश कुमार जी को शून्य से शिखर तक किसने पहुंचाया? ये जंगल राज दुशासन से मुक्ति के लिए सरदे अटल जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा था, बीजेपी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था, और उनको जिन लोगों ने अहंकार की भाव उत्पन्न करवाया, अहंकार के अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के लिए जंगल राज को जनता राज बताने लगे और जनता राज गुंडा राज में लोग तब्दील करने लगा। अब देखिए ले, कल ही समस्तीपुर में 3 हत्या, राष्ट्रपति महोदय यहीं हैं, आधा दर्जन लोगों को गोली मार दिया, हत्या अपहरण लूट बलात्कार लगता है पूरी अराजकता बिहार के अंदर है। मुख्यमंत्री जी को अखर नहीं रहा है क्या कि जिनके साथ हमने लिया है वो हमारा कैसा साथ निभा रहा है? और लालू यादव से ज्यादा सबसे बड़ा नायक नीतीश कुमार जी से अराजकता के बनेंगे, इस बिहार के बर्बादी के कहानी में इनका बड़ा भागीदारी होगा। तो ये अखर रहा है उनको, इसलिए उनकी जुबान पर सच आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे लोग को सही कार्य के लिए, चाहे लालू यादव को ही पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया, कर्पूरी ठाकुर जी को अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया, नीतीश कुमार जी को लाया, हम सत्ता के लिए बेचैन नहीं हैं, हम सुशासन स्थापित करने के लिए त्याग करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा की भाव से काम करता है, मेवा के लिए नहीं। देखिए सर, सवाल ये भी है क्योंकि लगातार आप लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा करते हैं, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में, INDIA गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला फंसता नजर आ रहा है, इस वजह से नीतीश कुमार इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए INDIA गठबंधन में कौन लोग है जो सब अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के अपने एजेंडा को लेके आए हैं, वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। ये बैनर सिर्फ इसलिए नया रखे हैं कि मेरा चेहरा दागदार है, उस बैनर पर हमको लाभ मिल जाएगा, और उसी में कुछ लोगों को और सम्मिलित कर लिए हैं जो वंशवादी नहीं है लेकिन वंशवादी के गोद में बैठ गए हैं। तो कौन किसको ठगेगा, कौन किसको प्रेशर बना रहा है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार इन लोगों के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। सर, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं एक दर्द छलका है, साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि बीजेपी से दोस्ती जो है हमारी मरते दम तक रहेगी, तो क्या आने वाले समय में 24 या 25 में नीतीश कुमार साथ आना चाहते हैं तो नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए हमारा नेतृत्व ये बीजेपी न वंशवादी पार्टी है, न जाति की पार्टी है, न किसी व्यक्ति की पार्टी है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और हमारा नेतृत्व कई बार इस विषय पर स्पष्ट कर चुके हैं, और नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही की तरह खड़ा रहता है अपने नेतृत्व के निर्देश का पालन करने के लिए। और भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए राजनीति करता है, और भाजपा हमेशा बिहार की बर्बादी को रोकने के लिए, बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए एक नए बदलाव, एक नए आंदोलन की ओर कदम बढ़ा चुका है। देखिए साफ तो नेता प्रतिपक्ष थे विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि अगर जो केंद्रीय नेतृत्व है अगर वो इस तरीके के बात को स्वीकार करता है तो नीतीश कुमार संभवतः आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा मोतिहारी में जो बयान दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर ये साफ हो गया है कि उनकी दर्द जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर है, कहीं ना कहीं जो वंशवाद की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उससे अलग होने का मांग जो कोशिश जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। लक्ष्मी, उत्कर्ष, अभी देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मर जाएंगे
मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे। और इसके बाद आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी से दोस्ती तो कायम ही रहेगी। तो ऐसे में क्या यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यानी कि 2024 में राजनीतिक समीकरण में बदलाव देखा जा सकता है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जिस तरीके से लगातार बिहार की राजनीति बदल रही है उसके संदर्भ में ये जरूर कहा जा सकता है कि 24 में कुछ भी संभव है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार हैं बिहार की सत्ता में 18 साल से हैं और ऐसे में पहले भी नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था कि हमारे बाद तेजस्वी जो हैं वो नेतृत्व करेंगे, लेकिन इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई जो पार्टी के नेता हैं वो एक दूसरे से जो विवाद है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जिस तरीके से आज भाषण हुआ है, दीक्षा जो दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, इन बातों से ये साफ जरूर हो रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब ये सोच रहे हैं कि उनका दरवाजा क्या बीजेपी के लिए खुला हुआ है, क्या आने वाले समय बीजेपी में जा सकते हैं। ये कई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के जो नेता हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने ये जो बयान दिया है वो मतभेद को लेकर नहीं है, मनभेद हमारे बीच कभी नहीं है। बातों को लेकर मतभेद जरूर हो सकता है लेकिन बीजेपी से आज तक कभी मनभेद नहीं हुआ है। तो अगर कुल मिला के इन तमाम बातों को देखा जाए तो ये जरूर साबित होता है कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नीतीश कुमार के दिल में है, और संभवतः अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो नीतीश कुमार समय पे वापस भी बीजेपी और एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, और इसका ये बात इसलिए भी सही लगती है क्योंकि अभी एक दिन पहले ही तड़पता बिहार करके एक पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया था, और ऐसा लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि नेतृत्व तेजस्वी यादव को सौंप दिया जाए, और अब इसीलिए नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि बीजेपी का दरवाजा उनके लिए खुल जाए। अब बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जिस तरीके से लगातार बिहार में घटनाक्रम हो रहा है, आपने सही बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जहां पर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा जो है वो सामने रखा जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी है वो दूसरी बातों पर जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं और वही रहेंगे। सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि उनके दल के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले, बीते दो दिनों पहले, जो राजद के एमएलसी हैं उन्होंने साथ नीतीश कुमार पर रोकना चाहूंगी, रुक करेंगे एक बड़ी खबर।